जगन्नाथ मंदिर के मुख्य पुजारी हो पड़े हैं चिंतित, क्योंकि मंदिर में घट रही है अजीबोगरीब रहस्यमय घटनाएं। आखिर क्यों कलयुग के धाम के मुख्य पुजारी जी को जारी करनी पड़ी चेतावनी? कहीं महाप्रभु जगन्नाथ हमें कोई संदेश तो नहीं देना चाहते? कहीं संसार में कोई बड़ा आपदा तो नहीं घटने वाला? तथ्य प्रमाण सहित आज मैं आपके समक्ष प्रकाशित करूंगा जगन्नाथ जी का संदेश, मुख्य पुजारी जी की चेतावनी एवं कलयुग के अंत की सटीक भविष्यवाणी। जय और पराजय का विचार छोड़ के कर्तव्य पर ध्यान दो, डर अपने आप दूर हो जाएगा। भारतवर्ष के चार धाम में से एक तथा कलयुग के धाम पूरी जगन्नाथ धाम के मुख्य पुजारी महानायक रामचंद्र बड़पंडा सामंत कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, क्योंकि इनके विषय में भविष्य मालिका के अनेकों ग्रंथों में लिखा हुआ है। हमेशा शांत सरल दिखने वाले व्यक्ति अचानक महाप्रलय की सतर्कवाणी क्यों दे रहे हैं? मुख्य पुजारी जी का कहना है कि जब जब संसार में कोई आपदा या संकट आता है, महाप्रभु जगन्नाथ घटना घटने से पूर्व 3 बार संकेत देकर मुख्य पुजारी तथा भक्तों को सतर्क करते हैं। वर्तमान मुख्य पुजारी जी ने जो तथ्य कही है वह अति चिंताजनक है। उनका कहना है कि 15 जून 2011 के दिन मुख्य पुजारी जी ने बार बार सबको सतर्क किया था कि ग्रहण के समय महाप्रभु जगन्नाथ जी का पोहंडी विजय नहीं होना चाहिए, परंतु किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। सनातन के सबसे पवित्र धाम में नीति नियमों को अनदेखा किया जाना मनुष्य सभ्यता पर गंभीर कुप्रभाव डाल सकता है। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर लगा हुआ पतित पावन बाना या ध्वजा बार बार उड़कर नीचे गिर रहा है, जो कि मंदिर के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। ओडिशा में इतने सारे तूफान आए हैं, आज तक पतित पावन ध्वजा कभी भी उड़कर नीचे नहीं गिरा है। यानी ये तो स्पष्ट है कि वर्तमान में ध्वजा गिरने की घटना सामान्य नहीं बल्कि एक सतर्कवाणी है महाप्रभु जगन्नाथ जी की। क्या आप बता सकते हैं कि जब ओडिशा में कोई तूफान आता है तब जगन्नाथ मंदिर के ऊपर कौन से रंग का ध्वजा फहराया जाता है? जल्दी से उत्तर कमेंट कर दीजिए, क्योंकि सही उत्तर देने वालों में से एक का नाम मैं कल के अध्याय में प्रकाशित करूंगा। तारीख 4 सितंबर 2013। मंदिर के अंदर ठीक महाप्रभु जगन्नाथ जी के रत्न सिंहासन के सामने मौजूद गरुड़ स्तंभ के ऊपर एक उल्लू बैठा था। ये भी मंदिर के इतिहास में ऐसा पहला घटना था। जगन्नाथ जीवित परम ब्रह्म है, कोई लकड़ी के टुकड़े नहीं। वर्तमान मंदिर के अंदर इतने चूहे हो चुके हैं कि महाप्रभु रात को सो भी नहीं पाते। आप में से अनेकों को शायद पता भी नहीं होगा कि जब जगन्नाथ जी के शरीर पर आघात होता है तब मनुष्य के जैसे ही उनके शरीर से रक्त निकलता है। जब गर्मी लगती है पसीना भी निकलता है। जगन्नाथ धाम का महाप्रसाद, शास्त्रों के अनुसार इस महाप्रसाद को खुद माँ लक्ष्मी प्रस्तुत करती है। जिस महाप्रसाद को प्राप्त करने के लिए देवता तक तरस जाते हैं, उसी महाप्रसाद का आज अपमान हो रहा है। ये सभी घटनाएं सामान्य नहीं है बल्कि महाप्रभु जगन्नाथ जी की सतर्कवाणी है महाप्रलय से पूर्व। महानायक रामचंद्र बड़पंडा सामंत जी का कहना है कि बहुत जल्द संसार में महाप्रलय होने वाला है, जिसको कोई रोक नहीं सकता, ना आप ना मैं ना ही कल की। ग्रंथ का नाम शिवकल्प नवखंड निर्घंट। गुरु अच्युतानंद जी ने कहा है कि जब जगन्नाथ धाम में महाप्रलय का जल प्रवेश होगा तब वरुण देवता अर्थ समुद्र की पूजा यही मुख्य पुजारी जी ही करेंगे। अब विचार आपको करना है। पिछले अध्याय में मैंने पूछा था कि पाकिस्तान में कुल कितने शक्तिपीठ हैं? सही उत्तर है 3। विजेता का नाम है सागर कुमार। हमारे परिवार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।